आज के टाइम पर हर कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पर्सन अपने बेनिफिट को लेकर काफ़ी परेशान है और इसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल इतना गंदा कर लिया है ना कि हम जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, जो नहीं खाना है वही खा रहे हैं, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, कोई एक जिंदगी का नियम नहीं है कि किस टाइम पे क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कोई लाइफ में एक्सरसाइज नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है, सप्लीमेंट नहीं है, और फिर आप बोलते हैं कि आपका बेनिफिट जाने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे कोई पतला इंसान है, मोटा इंसान है, सबसे पहले आपका वेलफेयर निकलता है, सबसे पहले चर्बी आपके पेट पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और इस कदर जम जाती है कि इसको निकालने में महीनों लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको लगता है ना कि आपका थोड़ा सा वेलफेयर निकला हुआ है या फिर आपकी बॉडी पे चर्बी आना शुरू हो गई है, यही सही वक्त है जागने का, एक्सरसाइज करने का, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करने का, अपना खाना पीना थोड़ा सा चेंज करने का, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, आगे चल के आपको अपनी बॉडी में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, आपको किसी दूसरे पे डिपेंड होना पड़ सकता है। और आप देख सकते हैं कि जब आप खुद ही अपने केयर नहीं कर पाते हैं तो दूसरा कितना केयर करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि एक्सरसाइज को लेके आए लाइफ में, हेल्दी खाना खाएं और आज की वीडियो को फॉलो करें। तो चलिए फिर ज्यादा बातें नहीं करते हैं, एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो गाइज, एक्सरसाइज करने के लिए आपको आराम से रिलैक्स होकर नीचे जमीन पे बेड पे बैठ सकते हैं, लाठी लगा लेनी है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि कैसे करनी है, फिर मैं बताऊंगी कि कोई कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। बैठ जाना है आराम से खाली पेट खाना खाने के 2 घंटे बाद। हाथ इस तरीके से रहेंगे पीछे क्रॉस, इस तरीके से जाएंगे और आपको क्या करना है, पहले सांसें भर लेनी है आपको और जैसे ही आगे जाएंगे पीछे आना है, सांसें भरना है तो इस एक्सरसाइज में कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ सीधे। आपको गलती क्या नहीं करनी है, हाथ ऐसे नहीं करने हैं। दूसरी जो गलती करेंगे आप, मुझे पता है कि आप ऐसे करेंगे, हाँ नीचे गर्दन को, नीचे गर्दन नीचे नहीं करनी है, गर्दन ऐसे आपके आगे की तरफ उठी हुई होगी, ठीक है ना। अगेन मैं करके दिखाती हूँ आपको, सांस भरना है, वन फोर। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका तोंद बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो आप देख सकते हैं जिस पोजीशन में मैं हूँ इसमें सारा प्रेशर आपकी कमर पे और आपके बैली पे जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से कुछ देर होल्ड भी करके रख सकते हैं और फिर पीछे आप जा सकते हैं। आपको 4 टाइम करनी है, 4 सेट आपको करने हैं, 1 सेट में आपको 30 टाइम जरूर करना है। आप दिन में 15 मिनट निकालेंगे और 15 मिनट के लिए आप ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे। अगर आप हर रोज 15 मिनट ऐसा करते हैं, ये एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि कुछ ही दिनों में आप अपने बेली फैट को जरूर कम कर पाएंगे। ओके, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, 4 सेट, 1 सेट में 30 बार। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। उसको करने के लिए मैं थोड़ा सा इस तरफ आ जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। हाँ, अच्छे से दिखेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे बैठ जाना है, आपके जो हाथ हैं सीधे और फिर आपको इस तरीके से सीधे हाथ आपको ऐसे लेके जाने हैं, सीधे सीधे सीधे। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो कैसे करना है, हाथ ऊपर और सीधे जाएंगे और गर्दन को भी इस तरीके से आप रखेंगे, इसी तरीके से होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे करके आप पीछे आ जाएंगे। ओके, अगेन दोबारा फिर से करते हैं, आप मेरे साथ कर सकते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है आपके पेट के लिए। इस तरीके से हाथ जाएंगे और फिर आप पीछे आ जाएंगे। और जब आप इस एक्सरसाइज को कर रहे होंगे, सांस अंदर
और जैसे ही आप ऐसे करके नीचे जाएंगे तो सांस आप छोड़ देंगे। ऐसे ही रहेंगे और फिर आप वापस फिर से पीछे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दो एक्सरसाइज दे चुकी हूँ, दोनों ही एक्सरसाइज आपको करनी है। दोनों ही एक्सरसाइज बहुत आसान है और बहुत कमाल की है। अब हम चलते हैं हमारी लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज पे। तीनों ही एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। तीनों ही एक्सरसाइज के चार सेट करेंगे, एक सेट के अंदर आप 30 बार करेंगे। ओके, आई बात समझ में? ये आपके बेली फैट को और आपके कमर के फैट को बिल्कुल मक्खन की तरह पिघला देगी अगर आप इनको रेगुलर कंटिन्यू रखेंगे तो। अब आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको आलती पालती मार के बैठ जाना है, हाथ वापस फिर से पीछे जाएंगे। ओके, और आप एक साइड में जितना झुक पाए उतना झुकेंगे। 1 वापस आएंगे, 2 वापस आएंगे, 3 वापिस आएंगे, 4 वापिस आएंगे, 5 6 7 8 9 और 10। अब इस हाथ के साथ आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आए ना समझ में? तो ये है आपकी सिर्फ 3 एक्सरसाइज जो आपको करनी है। नीचे बैठ के कर सकते हैं, खाली पेट कर सकते हैं, खाना खा चुके हैं तो 2 घंटे बाद कर सकते हैं, रात का खाना खाने के 2 घंटे बाद भी रात को सोने से पहले ये वाली एक्सरसाइज की जा सकती है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम और जो ये वाला बैली आपका निकलता है ये तो बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा, और ये वाला जो साइड फैट है ये भी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है, रिजल्ट मेरे साथ शेयर करना है। आशा करूंगी कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आप एक्सरसाइज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, अपने खाने को चेंज करेंगे, शुगर कम खाएंगे, नमक कम खाएंगे, मिठाई कम खाएंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी सजेस्ट करूंगी, अगर आप सिर्फ अपने बेली फैट पे काम करना चाहते हैं तो आप दिन के 2 कप ग्रीन टी जरूर पिए, क्योंकि ग्रीन टी आपके बैली के ऊपर काम करना शुरू कर देगी, जो मोटापा है उसको पिघलाना शुरू कर देगी और धीरे धीरे आपके बैली को शेप में लेके आना शुरू कर देगी। क्योंकि इसका जीरा जागता उदाहरण मैं हूँ। जब मेरा बैली फैट कम नहीं हो रहा था मैंने ग्रीन टी को पीना शुरू किया, और जैसे ही मैंने ग्रीन टी को पीना शुरू किया केवल 1 से 1.5 महीने में मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो बैली है वो कम होना शुरू हो गया है। तो ग्रीन टी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ग्रीन टी पी नहीं सकते हैं तो कोई वेट लॉस ड्रिंक आप पी सकते हैं, लेकिन पीना आपको जरूर है, वो आपकी चॉइस का है। मैंने चैनल पे बहुत सारे वेट लॉस ड्रिंक दिए हैं, जाइए देखिए बनाइए पिए जो भी आपको पसंद आता है। ये था आज का वीडियो, आशा करूंगी काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।